नफरतें कितना भी जहर फैलाएं, प्रेम अपनी जगह तलाश ही लेता है। मानवता और सद्भाव की एक नई मिसाल देखने को मिली है झारखंड के गिरडीह में। यहाँ बरवाडीह में एक बुजुर्ग महिला को अंतिम यात्रा में उन अजनबियों का साथ मिला जो उसकी जिंदगी के सफर का हिस्सा ही नहीं थे। 72 साल की लखिया देवी को मधुमेह की बीमारी थी, जिससे अक्सर उनकी तबीयत खराब रहती थी। कुछ दिन पहले वो लकवे की शिकार हो गई। परिवार वालों ने इलाज के लिए उन्हें रांची के एक नर्सिंग होम में भर्ती कराया। यहाँ नाजुक स्थिति होने के चलते घर वाले वापस गिरडीह ले गए। इसी बीच 6 जून की रात को उनकी मौत हो गई। क्या प्रॉब्लम था? प्रॉब्लम यह हुआ कि जैसे कि उसको बीपी का वो दवाई खाती थी, तो बीपी हाई जैसे हो गया उसको, तो माने कि बीमारी अटैक कर गया। बीमारी अटैक किया तो पैरालिसिस हो गया, और पैरालिसिस जैसे हुआ तो ब्रेन हेमरेज हुआ, और दिमाग का नस फटने के कारण वो खाना पीना कम कर दी और 10-12 दिन तक रही, उसके बाद जान चली। वो एक हिसाब से समझ लीजिए समाज सेवी थी, गाय का काम करती थी, बच्चा डिलीवरी करवाती थी वो, और एक महल्ला नहीं 4-5 महल्ले में जाती थी। रात भी रात 12 बजे 2 बजे कोई भी किसी भी टाइम में बुलाते थे, चल जाते थे। चहन उसका हल्का फुल्का तबीयत कहन ख़राब हो, इमरजेंसी समझती थी। और इसी को लेकर के दोनों समुदाय के लोग थे, हिंदू भी मुस्लिम भी, दोनों 50-50% तो हमको समझ में आया कि दोनों पक्ष थे। सूचना देने के बाद भी कोई रिश्तेदार नहीं आया, सबने दूरी बना ली सिवाय उनके एक बेटे और पोते के। 7 जून को वृद्धा के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया जाना था, लेकिन कोई रिश्तेदार घर नहीं पहुंचा। उनका बेटा और पोता तो थे, लेकिन दो लोगों के सहारे 8 किलोमीटर कंधा देकर शव को मुक्ति धाम तक पहुँचाना मुश्किल था। लखिया देवी का ध्यान था आज, जिसको ले गया यहाँ से घाट तक। हम लोग समाज सेवी का आदमी थे और सबका भला करते थे, ये डिलीवरी पेशेंट को देखा करते थे। केवल एक सप्ताह पहले हमारी बहू का साथ ऐसा ऐसा दर्द के हिसाब से हुआ, हमने डॉक्टर के पास ले गए तो उन्होंने जांच लिख दिया। उसके बाद हम आए कि चाची देखिए इस तरह से बात है, बहुत परेशान है, डॉक्टर इतना जांच लिख दिया। घर गया, थोड़ा बहुत उसका सेवा किया बेचारी, और सेवा करने के बाद वो बोला है कुछ नहीं हुआ है, बच्चा थोड़ा सा घुस गया है, उसको निकाल दिए हैं, कोई तरह का दिक्कत नहीं। वो एक सप्ताह हुआ है और एक सप्ताह में आज तक हमारी बहुत सही है। अच्छा नेक आदमी था, जो नेक काम करता था सब जगह का, और हम सभी लोग 12 बजे रात, 10 बजे रात, 11 बजे रात, किसी को भी ऐसा पेशेंट को दिक्कत होता था जाके वो अपना थोड़ा बहुत कर देते थे। आज तो हम लोग गए थे, जैसे इनके घर के लोग थे जो भी था, लॉकडाउन के कारण कुछ रिश्तेदार इसका जान पहचान जो भी रिश्तेदार आ नहीं पाए, और जब कमी था तो फिर इतना दूर जाना था तो फिर ले के कैसे जाता, तो हम लोग सभी मिल के हिंदू मुसलमान जितना हम लोग सभी जगह का सभी मिल के हम लोग उसको ले जाने का जगह पर पहुंचा देने का काम किए इस अनुदान में, और हम लोग को खुशी मिला कि चलो भाई एक नेक व्यक्ति को इस तरह से जगह तक पहुँचा दिए, हम लोग को बहुत अच्छा लगा। इसकी जानकारी जब गिरडीह के पहाड़ी डीह के मुस्लिम युवकों को मिली तो वो तुरंत वहां पहुंचे। शमशेर आलम, मोहम्मद बिलाल, ताहिर और सलामत समेत कई युवक न केवल लखिया की अंतिम यात्रा में शामिल हुए, बल्कि उनके शरीर को बारी बारी से कंधा देकर मुक्ति धाम तक पहुंचाया, जहां जागेश्वर ने हिंदू रीति रिवाज के साथ अपनी माँ को मुखाग्नि दी। इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उदार चरितनाम तो वसुधैव कुटुम्बकम।